आप सभी को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि खाना जब हम खाते हैं तो खाने में कुछ होती हैं मेन डिशेस, कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जो सीजनल होती हैं, कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जो मुश्किल होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आसान होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ध्यान नहीं देते, रोज़ रोज़ खा लेते हैं। अब जैसे आप देखिए रोज़ क्या खाते हैं, वही चीज़ें हैं, दाल रोटी चावल और क्या है। स्टीम्ड बासमती राइस बनाना है तो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो है हमारे पास चावल, अब ये इस तरह से ये ले लिया। चावल लेने के बाद इसको भिगाना है सफिशेंट पानी के अंदर, करीब एक घंटा भर इसको भीगने के लिए रख दें। घंटा भर चावल आपने भिगो के रखा सफिशेंट पानी के अंदर, उसके बाद ले ली छन्नी और ये पानी लिया, निकाल इसके अंदर से। अब ये देखिए चावल जो है ना, अब ये बिल्कुल तैयार हैं। तो ये जो चावल हैं हमारे पास, ये बढ़िया से भीगे हुए, पानी गरम, और ये जो है ये डाल दिए चावल प्यार से इसके अंदर। हाँ 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 हाँ, थोड़ा डेलिकेट होता है ना, तो प्यार से ये ले लिया और इसको अब पकाने के लिए रख दिया। प्लेन स्टीम्ड राइस, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। नमक डालना चाहते हैं नमक के साथ में बना सकते हैं। चावल बढ़िया स्टीम्ड राइस कैसे बनाना है अगर नहीं पता हो तो जान निकल जाती है, तो इसीलिए दावत ट्रेडिशनल बासमती राइस, उसकी खुशबू कैसे मिले, आप तक कैसे पहुंचे, हर बार एकदम परफेक्ट कैसे बने, मैं हूं ना। अब ये चावल दिख रहा है, हाँ हाँ हाँ, देखिए कैसे बढ़िया से लंबा चावल, खुशबू पड़ोसियों तक जा रही है, और ये ऑलमोस्ट हो गया है, बस थोड़ा सा और होना चाहिए और फिर जाके ये तैयार हो जाएगा। तो इसलिए इस समय छानने के लिए कोलेंडर ले लें, छन्नी ले लें, जो कुछ भी लें। और अब ये जो चावल है ये एक बार फाइनल इसकी टेस्टिंग, और फाइनल टेस्टिंग में ये जो चावल है ये चावल पास। तो लीजिए चावल तैयार, एकदम बढ़िया खिला हुआ खुशबूदार। ये देखिए चावल ले लिया छन्नी में डाल दिया। अब एक चीज़ और बताता हूँ, एक टिप, कि ये जब इसमें से निकालें ना चावल को, नॉर्मली क्या होता है नीचे पतीला रखते हैं जिसमें पानी रहता है और उसी पे ही आप ये चावल रख देते हैं, नीचे से भाप आती रहती है तो चावल और ज़्यादा पक जाता है। तो इसलिए जिस बोल में आप इसको छाने जिसमें पानी है गर्म नीचे, उसके ऊपर छन्नी मत रखिए, कोलेंडर मत रखिए, नहीं तो चावल और पकता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और क्या बात है, मतलब इसको कहते हैं कि ये जो चावल है ना, ये चावल ऐसा और ऐसा दिखने पे कि बस देखते ही ये चावल के साथ इश्क हो जाता है।